चौरी चौरा क्षेत्र के बैकुंठपुर में महिला की हत्या की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया तथा गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भिजवाया। दुष्कर्म का अपराध कारित करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। गगहा थानाध्यक्ष सूरज सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सरोज प्रसाद मय टीम द्वारा स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 2923 धारा 376 2N 506 भादवी से संबंधित वांछित अभियुक्त राजू निषाद पुत्र स्वर्गीय दूधनाथ निवासी ग्राम मड़ीहवा अवस्थित थाना गगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। दादाजी को मंत्री बना दीजिए, कर्नाटक के कांग्रेस विधायक की पोती का राहुल गांधी को इमोशनल लेटर। कर्नाटक के एक सीनियर विधायक की पोती ने राहुल गांधी को एक भावनात्मक पत्र लिखा। राहुल गांधी को लिखे इस पत्र में उसने कहा, डियर राहुल गांधी, मैं टीबी जयचंद्र की पोती हूँ। मेरे दादा मंत्री नहीं बने और इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह मंत्री बने क्योंकि वह दयालु काबिल और मेहनती हैं। भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना बनाई। गुलरिहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल डुमरी नंबर 2 के पास टोला के समीप 11,000 हाई टेंशन के तार के चपेट में आने से लाइनमैन झुलसा, हालत गंभीर। आईजीएल में 150 करोड़ से निर्मित परियोजना का राज्य मंत्री द्वारा किया गया उद्घाटन। मामखोर में आंधी से घर के छत से ईंट गिरने से युवक की मौत। गगहा थाना क्षेत्र के मामखोर निवासी 25 वर्षीय अभिषेक दुबे पुत्र सच्चिदानंद के ऊपर आंधी से घर के छत से ईंट गिरने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से ईंट को हटाया गया, तभी अभिषेक की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची गगहा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला सीएचसी पिपरौली में 306 लोगों की जांची गई सेहत, दी गई दवाएं। शौचालय की टंकी में गिरने से 4 लोगों की मौत, एक गंभीर। इलाज के दौरान घायल 2 और लोगों की मौत। हादसे में एक व्यक्ति घायल अस्पताल में भर्ती। हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नेबुआ नौरगिया क्षेत्र के बहोरा रामनगर का परधिका टोले की घटना। नए संसद भवन का इनॉग्रेशन। साष्टांग प्रणाम के बाद मोदी ने शिंगोल संसद में स्थापित किया श्रम योगियों के सम्मान के बाद सर्वधर्म सभा। कर्नाटक में सरकार बनने के 7 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार। 24 नए मंत्री सरकार में किए गए शामिल। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास वित्त इंटेलिजेंस विभाग। सड़क दुर्घटना में 9 लोग घायल, भेजा गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरहा। बला तिथि सामने सड़क दुर्घटना में 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आसपास के लोग और ग्रामीणों की मदद से उन लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरहा भेजा गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। बताते चले कि अल्टिका और सेंट्रो गाड़ी के बीच में जोरदार टक्कर हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हैं। सभी दर्शन करने विंध्याचल जा रहे हैं थे, इसी बीच जोरदार टक्कर हो गया, जिसमें लोग घायल हो गए। रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बैठक कर अपने हक की मांग किया। रेलवे कर्मचारी संघ के विनोद राय के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों ने बैठक किया। उन्होंने बताया कि पेंशन सहित अन्य सुविधाओं की मांग किया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा हमेशा उनको छला जा रहा है, जो गलत है। जो हमारे संघर्ष चल रहे हैं, जो हमारे प्रदर्शन हो रहा है, उसको और गति देने के लिए हम लोग लगातार कार्यक्रम करेंगे और 30 तारीख को हम लोग रथ में हम लोग शामिल होंगे और पूरे या जो सरकार है निजीकरण कर रही है, पेंशन खत्म कर रही है, तमाम लोगों को सरकारी संस्थाओं को बंद कर रही है, उसको बदलने का काम हमारे संयुक्त मोर्चा काम करेगा और डंके के चोट पर लड़ाई लड़ेगा और कर्मचारियों को हक दिलाने के लिए हम तब हमेशा तत्पर रहेंगे और लड़ते रहेंगे। लड़ करके बाजौ तहसील मुख्यालय के अंतर्गत भूसौल में चलाया गया पोलियो मुक्त अभियान।
बांस गांव विकास खंड के अंतर्गत भूसौल में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनय सिंह ने पोलियो की खुराक पिलाकर बच्चों को जागरूक किया। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से बताया कि पोलियो को जड़ से मिटाना है, पोलियो को मिटाने के लिए हम सभी को संकल्पित होकर इससे लड़ना होगा। टीबी का पिलाया गया जिसमें स्वास्थ्य टीम, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उपस्थित रहे। बालक बालिकाओं को पोलियो मिला गया जिसमें मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनय सिंह उपस्थित रहे और सारे क्षेत्र देश में प्लस पोलियो अभियान दो बुंद जिंदगी के। बांस गांव तहसील में लगा साइन बोर्ड उड़ गया। बांस गांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात हल्की फुल्की आंधी बारिश के चलते तहसील का साइन बोर्ड उल्टे गिर गया। बताया जा रहा है कि भी एक महीना पहले ही तहसील के द्वारा तहसील बांस गांव का एकमात्र साइन बोर्ड लगाया गया था जिसका निर्माण काफी घटिया स्तर से किया गया था, जिसके कारण एक महीना के अंदर ही साइन बोर्ड उड़ के नीचे गिर गया। ऐसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, परंतु अब तहसील बिना साइन बोर्ड के दिख रहा है। तहसील गेट पे जो बोर्ड लगा था साइन बोर्ड बांस गांव तहसील का, कहाँ चला गया? वो कल बहुत तेज आनी आया था, उसी में उड़ गया तो उठा के रखा गया बगल में। कोई चोटिल हुआ है? नहीं, चोटिल नहीं कोई हुआ है, बस लगा।